तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जो ओवरवेट या ओबेसिटी वाला कंपोनेंट है, डॉक्टर साहब हमें क्या कह रहे हैं कि जो पेट के आसपास चर्बी बढ़ती है वो ज्यादा खतरनाक है। तो आप अपनी ट्राउजर्स की या अपनी सलवार की आप बस वो नाप लें, सरकमफ्रेंस कितना है, कमर नाप लें। अगर आपकी कमर ज्यादा है, इट मीन्स ओबेसिटी है। हमने पहले 2 बार बात की है ओबेसिटी पे, अगर आपको याद हो 2 हफ्ते पहले डॉक्टर नीता देश पांडे और डॉक्टर नितिन कपूर ने ओबेसिटी की बात की थी, और उन्होंने बहुत डिटेल में हमें ब्रोकाज इंडेक्स के बारे में भी बताया हुआ है और बॉडी मास इंडेक्स के बारे में बताया हुआ है। सबसे सिंपल तरीका डॉक्टर अतुल, एक तो वेस्ट सर्कमफ्रेंस हो गया, बट हाइट के हिसाब से इफ यू कैन जस्ट रिवाइज फॉर अस, सपोजिंग माई हाइट इज 170 सेंटीमीटर, वॉट शुड माई वेट बी? सबसे आसान और जो सबसे प्रैक्टिकल तरीका है, यदि आपकी हाइट सेंटीमीटर्स में आपको पता है, उसमें से 100 माइनस कर दें। जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, उसमें से 100 माइनस कर दें। यदि आपका वजन 70 किलो के आसपास है तो आप सेफ जोन में है। यदि इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका वजन आपकी हाइट के अनुपात में ज़्यादा है, आपको अपना वजन कम करने के बारे में सोचना चाहिए। और अगर आप सबको याद हो तो डॉक्टर फातिमा जावद जो प्रोफेसर हैं कराची से, मैडम भी हमारे पास लॉग्ड इन थी 2 हफ्ते पहले, तो मैडम ने हमें याद करवाया कि 170 माइनस 100, दैट इज 70, दैट इज द मैक्सिमम अलाउड वेट। मैक्सिमम आइडियल विल बी 10% लेस। 10%। लेस सो ये हो गया ओबेसिटी का। अगर एल फॉर लिपिड्स पे जाएं तो लिपिड्स कैसे चेक करते हैं, क्या क्या कॉमन नंबर्स हैं और एवरेज आदमी या लेडी के नंबर कितने होने चाहिए? सो यदि हम लिपिड्स के बारे में बात करें तो हमारे ब्लड के अंदर लिपिड्स, कुछ अच्छे लिपिड्स होते हैं, कुछ बुरे लिपिड्स होते हैं। बुरे लिपिड्स इसलिए उनको बोलते हैं क्योंकि अगर इनका लेवल बढ़ रहा है आपके शरीर में तो ये आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स इनके साथ ज़्यादा होंगी। जैसे आप ट्राइग्लिसराइड की बात करें, ट्राइग्लिसराइड का लेवल मेल्स और फीमेल्स में दोनों में यदि 150 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आप में हार्ट की प्रॉब्लम्स होने का खतरा ज़्यादा है, आप में मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का रिस्क ज़्यादा है। तो आपको एक तो अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल्स पता होने चाहिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए। दूसरा, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जो हमें हार्ट की प्रॉब्लम से बचाता है, जिसे हम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, उसकी मात्रा पुरुषों में यदि 40 से कम है और फीमेल्स में यदि 50 से नीचे है तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा भी कई और कोलेस्ट्रॉल होते हैं, पर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के संदर्भ में ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।